नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नौवहन आतंकवाद बड़ा खतरा, राजनाथ सिंह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि नौवहन आतंकवाद एक बड़ा खतरा है जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव है। सरकार सभी बड़े एवं छोटे बंदरगाहों का सुरक्षा ऑडिट करा रही है ताकि तटीय सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिंदुओं की पहचान की जा सके। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि हमारे तटों की कमजोरी 1993 में सामने आई थी जब विस्फोटक तस्करी करके रायगढ़ ले जाए गए थे और उसके बाद 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि हम रडार एवं स्वचालित पहचान प्रणाली रिसीवर की श्रृंखला लगा रहे हैं ताकि भारतीय तटीय रेखा को सुरक्षित बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी ने कहा, करदाताओं के मन से उत्पीड़न का भय दूर करें अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशानी का भय दूर करें और प्रशासन के 5 स्तंभों राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पहले राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से प्रशासन को बेहतर और दक्ष बनाने के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने और विश्वास की खाई पाटने का कार्य करने को कहा। उद्घाटन सत्र के बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि मोदी ने अधिकारियों को ये भी सुझाव दिया कि उन्हें करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशान किए जाने का डर दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा लोगों के साथ सौम्य और विनम्र रहना चाहिए। अलका लांबा को आप ने प्रवक्ता पद से हटाया। आम आदमी पार्टी नेता अलका लांबा को वरिष्ठ आप नेता और ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय के खिलाफ बयान देना उस समय महंगा पड़ गया जब पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया। इस बीच अलका लांबा ने कहा कि उन्हें पार्टी से इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। अलका लांबा ने पार्टी लाइन से हटते हुए बयान दिया था कि प्रीमियम बस सर्विस स्कीम के निष्पक्ष जांच के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय को मंत्रालय से हटा दिया गया है। उन्होंने ये जानकारी एंटी करप्शन ब्रांच के कार्यालय के बाहर दी थी जहां वे राय को समर्थन देने पहुंची थी। दूसरी ओर पार्टी ने गोपाल राय के स्वास्थ्य को उनके इस्तीफे की वजह बताया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार आप ने लांबा के बयान पर सख्त कदम उठाते हुए उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया। घुसपैठ नाकाम, सेना ने 2 आतंकवादी मार गिराए। सेना ने गुरुवार को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास तंगधार सेक्टर में 2 आतंकियों को मारकर उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीते 3 दिनों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की ऐसी कोशिश को दूसरी बार नाकाम किया है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हो गया। हिलेरी ने कहा, देश को गहरे संकट में डाल देंगे ट्रंप के विचार। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर इस्लाम के कथित वाक्य का मजाक उड़ाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी के मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसे उतावले विचार देश को गहरे संकट में डाल देंगे। हिलेरी ने आरोप लगाया कि ऑरलैंडो में अफगान मूल के अमेरिकी युवक द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद ट्रंप की टिप्पणियां अधिक भड़काऊ हो गई हैं। 68 वर्षीय हिलेरी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप किसी भी मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने एक वाक्य पकड़ा हुआ है, कट्टर इस्लाम, मानो ये जादुई शब्द है और एक बार बोलने से आतंकवादी हमारे पीछे आना बंद कर देंगे। वेबदुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।